या गुड मॉर्निंग स्कूल. सो लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स में यानी रासायनिक बलगति वाले चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था. आज हम उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करके पढ़ेंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को प्रेशर की टर्म में दिया हुआ है तो उसके लिए हम किस प्रकार से रेट लॉ एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से. तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 14 कार्बन के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु 5730 वर्ष है. एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% 14 कार्बन की मात्रा है. नमूने की आयु का परिकलन कीजिए. तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू दी हुई है. तो यहाँ पर टी हाफ हो जाएगा हमारे पास 5730 ईयर. हमने ये पढ़ा है कि जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं, दे ऑल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी वो सब प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के और टी हाफ में 0.693 अपॉन टी हाफ की रिलेशनशिप आती है. तो हम समझ सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 14 कार्बन की मात्रा 80% हमें यहां पर दी हुई है. तो ये जो 80% है ये एक्चुअली x की वैल्यू है. तो अगर x 80% है इसका मतलब जो a होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास में 100% माना जाएगा. प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए k की एक्सप्रेशन है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स. अब यहां पर हमें नमूने की आयु का परिकलन करना है, इसका मतलब कि मुझे यहां पर टाइम को फाइंड आउट करना है. तो मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स. K की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2.303 और K का मान होगा 0.693 इंटू टी हाफ और टी हाफ यहां पे दिया हुआ है हमें 4730 लॉग इनिशियल यानी प्रारंभिक मात्रा हो गई 100 और ये हो जाएगा 100 माइनस 80. तो ये हमारे पास आएगा 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 5730 और अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन, इसको इधर हम देखें तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 20 यानी ये हो जाएगा 5 और लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.69. तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे 0.69 तो हमें यहां पर इसका टी हाफ ये वैल्यू मिलने वाली है 1845 वर्ष. तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं और ध्यान रखिएगा ऑल्दो रेडियो एक्टिविटी को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है बट रेडियो एक्टिविटी से जो रिलेटेड काइनेटिक्स है उससे जो रिलेटेड आपके पास में ऑर्डर है जो यूजुअली फर्स्ट ऑर्डर होता है उस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. अगर हमारे पास ऑप्शन में ये वर्ष की जगह पे दिन दिया हुआ है तो हम अकॉर्डिंगली यहां पर कन्वर्जन करते हैं. तो आप नोट डाउन करें फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया
कमी दी हुई है जिसमें 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का कितने गुना होता है। तो हमें यहां पर इस क्वेश्चन में दो परसेंटेज दी हुई है, एक 99% और दूसरा 90%, और इन दोनों में कितना रेशो होगा, कितने गुना समय लगेगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो K का मान हो जाएगा 2.303 upon t log a upon a minus x। अब पहला केस हम ले रहे हैं जब t 99% है। t 99% का मतलब हुआ कि x का मान 99, a का मान हो जाएगा 100 और a माइनस x का मान होगा 100 minus 99, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर k की वैल्यू आएगी 2.303 upon t 99 log a हुआ 100 upon 1। तो 100 upon 1 में log 100, इसको मैं 2 लिख सकता हूं, तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 2.303 upon t 99 log 100 की वैल्यू। यहां पर अगर हम देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं into 2। तो ये हमारे पास में 99 के लिए मान आया। अब अगर हम t 90 के लिए निकालते हैं तो k हो जाएगा 2.303 upon t 90 log 100 upon 100 minus 90। तो ये हमारे पास आएगा 2.303 upon t 90, और ये हमारे पास आएगा log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं यहां से t 90 की वैल्यू निकालूंगा, दिस विल बी 2.303 upon k, और जो t 99 है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2.303 into 2 upon k। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो t 90 upon t 99 आएगा, दिस विल बी, k से k को हम कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल टू 1/2। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि t 90 में जो लगने वाला समय है वो t 99 का दुगना समय होता। तो इस तरह की रिलेशनशिप कई बार हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। t 99 पूछ सकता है, 99.9 पूछ सकता है। पिछली कक्षाओं में हम ये पढ़ चुके हैं कि इनके बीच में किस तरह से कोरिलेशन किया जाता है। तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल पार्ट देखे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर कभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यानी जो अभिक्रियाएं हमें दी हुई हैं, वो अगर गैसियस फेज में है तो प्रेशर के लिए हम किस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स के लिए के की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो अगर हमारे पास कोई गैसीय अभिक्रिया है तो उस गैसीय अभिक्रिया के लिए हम K का मान किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक रिएक्शन हमें दी हुई है, A gives B plus C और टाइम जीरो पे जो प्रेशर हमारे पास है वो P जीरो है, तो P जीरो यहां पर प्रारंभिक दाब है।
टाइम टी जब हम मानते हैं कि अभिक्रिया हुई है तो यहां पर जो कुल दाब है वो पी टी के बराबर है। यानी अगर हम पी टी की बात करें तो ये कुल दाब होगा ए के आंशिक दाब प्लस बी के आंशिक दाब प्लस सी के आंशिक दाब के बराबर। तो ये हम यहां पर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यानी जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है उससे समझ सकते हैं कि यहां पर आंशिक दाब का जो कुल योग होगा वही कुल दाब के बराबर होगा। अब अगर इसके लिए हम यहां पर इनिशियल प्रेशर मान लें पी जीरो, तो इसका मतलब जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट नहीं बना है, तो प्रोडक्ट के लिए कोई भी प्रेशर हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। टाइम टी पर हम मानते हैं कि इस पी नॉट में से कुछ एक्स प्रेशर कम हुआ, तो इसका मतलब यहां पर बी के रेस्पेक्ट में एक्स प्रेशर बनेगा और सी के रेस्पेक्ट में भी एक्स प्रेशर बनेगा। तो यहां पर पी टी की वैल्यू होगी पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स। इधर से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x हो जाएगा पी टी माइनस पी नॉट, पी नॉट माइनस पी टी। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। अब देखिए जो a है ये एक्चुअली इनिशियल अमाउंट है यानी ये प्रारंभिक दाब को इंडिकेट करेगा, तो यहां पर k का मान हो जाएगा 2.303 अपॉन t log a की जगह मैं लिख सकता हूं p नॉट, और यहां पर अगर हम a माइनस x को निकाल रहे हैं तो a हो गया p नॉट माइनस x की वैल्यू हो गई इधर इट इज पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, तो एक्स हमारे पास में आ जाएगा यहां पर दिस विल बी पी टी माइनस पी नॉट, सो इट विल बी लाइक दिस वन। तो ये हमारे पास आएगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। तो अगर हमें किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए प्रेशर के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करना है तो वहां पर हम k की वैल्यू को इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होगा कि वो हमें इनिशियल प्रेशर नहीं देगा, pt की वैल्यू मुझे पता होगी, तो अगर इनिशियल प्रेशर हमें नहीं दिया हुआ है तो इसी में एक और समझते हैं। अगर प्रारंभिक दाब यानी P नॉट नहीं दिया गया तो उस केस में हम यहां पर P इन्फिनिटी को यूज करेंगे। करें ठीक है। अब इस पी इंफिनिटी को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको समझिए। ए उत्पाद है जिससे हमें बी एंड सी प्रोडक्ट मिलता है। टाइम टी पर जीरो पे अब हमें यहां पे प्रेशर नहीं दिया हुआ है, टाइम टी पर हम मान सकते हैं कि इसमें से कुछ एक्स कम होगा ठीक है,
और अब हम यहां पर आ जाते हैं एक इन्फिनिटी यानी अनंत समय पे। इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये नहीं है कि हम रिएक्शन को आज करें और उसको फिर साल भर के लिए छोड़ दें। इनफाइनाइट टाइम का मतलब वो समय है जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, यानी पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो टी इन्फिनिटी पे हम मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अगर हम इनिशियली इसको पी जीरो मान रहे हैं यहां पर, तो अब हमें ये पी जीरो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। तो पी जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारे पास आएगा पी जीरो, दिस विल ऑल्सो बिकम पी जीरो। अब अगर इनफाइनाइट टाइम पे हम पी इंफिनिटी का मान निकालेंगे तो ये आएगा पी नॉट प्लस पी नॉट दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी नॉट। तो यहां से पी नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू पी इंफिनिटी बाई टू। तो जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन 2p0 माइनस pt, तो हम यहां पर p नॉट की जगह पर p इंफिनिटी की वैल्यू रखेंगे और जिससे हम p नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें p नॉट नहीं देगा लेकिन वो हमें p इंफिनिटी का मान देगा। तो इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम फिर से समझ लीजिए, इनफाइनाइट टाइम वो टाइम है जब रिएक्शन 100% कंप्लीट मानी जाती है। हम ऐसा मानते हैं कि उस टाइम में पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ऑल्दो ये हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बच जाता है। तो इस तरीके से हम प्रेशर के रूप में भी के की एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ये हुआ अगर हमारे पास में उत्पाद और अभिकारक सभी के सभी गैसीय अवस्था में है और दाब दिया हुआ है, तो उसके लिए के कैसे निकालते हैं। अब हम समझते हैं यहां पर कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी हैं या इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है जिसमें हमें अभिकारक या उत्पाद के बारे में ना बताकर जो दूसरे इसके साथ में बन रहे हैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और वहां से हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ इनडायरेक्ट मेथड हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास में पहला H2O2 का विघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो H2O2 मींस हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगर इसको डिकम्पोज किया जाएगा तो ये डिकम्पोज होने पर H2O प्लस हाफ O2 गैस लिबरेट करता है। H2O2 के डिकम्पोजिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे यह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। इसका मतलब जो रेट होगा दैट विल बी के टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 टू द पावर 1। जो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की, ये हो जाएगी टाइम इनवर्स। ये तो हुई इसके काइनेटिक्स की बात। अब एक और चीज समझिए, जो H2O2 का विघटन होता है यहां पर ऑक्सीजन परऑक्साइड में -1 स्टेट में प्रेजेंट होती है, जबकि H2O में ये ऑक्साइड फॉर्म में गया तो ये -2 होगा और ये फ्री स्टेट में है तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं
कि एक ऑक्सीजन माइनस वन से माइनस टू में परिवर्तित होता है और वही ऑक्सीजन माइनस वन से जीरो में भी परिवर्तित होता है। तो अगर ये माइनस वन से माइनस टू में परिवर्तित हुआ, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इसका अपचयन यानी रिडक्शन हुआ है। दूसरे केस में जब ये माइनस वन से जीरो में गया तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली जो अभिक्रिया है ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं। लेकिन इस रिडॉक्स अभिक्रिया में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी होता है। तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, इन ऐसी अभिक्रियाओं को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या अगर हिंदी में हम कहें तो विषमानुपाती अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पर H2O2 के लिए ध्यान रखनी है कि H2O2 का जो डिकम्पोजिशन है यह एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल है। अब क्योंकि यह फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है तो अगर मैं यहां पर K का मान लिखूंगा तो ये होगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इस केस में हमें H2O2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की होगी, लेकिन हम H2O2 की जगह पर यहां पर KMnO4 को यूज करेंगे। देखिए अगर हम कह रहे हैं कि H2O2 यहां पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है तो इसके लिए हम इस H2O2 का KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे। मतलब हम यहां पर आयतन विधि द्वारा इस KMnO4 की मात्रा से H2O2 की मात्रा को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम टाइट्रेशन को यूज करने वाले हैं, तो हम देखेंगे टाइट्रेशन मतलब कि हमारे पास इस तरीके का सेटअप होगा, ब्यूरेट है, इसको हमने क्लैंप किया हुआ है और यहां पर हमारे पास इस फ्लास्क में हमने H2O2 की एक कैलकुलेटेड अमाउंट ली हुई है और इसमें हमने KMnO4 को भरा हुआ है। इसकी एक वॉल्यूम मुझे पता है, ठीक है, और इस कैलकुलेटेड वॉल्यूम के लिए मैं M1V1 = M2V2 को लगा के या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा के चीजों को फाइंड आउट करने वाला हूं। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि टाइम जीरो पर, इधर लिख लेते हैं, टाइम जीरो पर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है V0, टाइम T पर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 को हम मान लेते हैं VTML, और अगर कभी अनंत टाइम होगा तो उस पर वॉल्यूम ऑफ
KMnO4 को हम मान लेते हैं V infinity. अब समझिए किस तरीके से हमें ये करना है. टाइम जीरो पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी एक, H2O बनेगा जीरो, O2 बनेगा जीरो. टाइम t पर ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ये बनेगा x और ये बनेगा यहां पर x बाई टू. तो देखिए यहां पर जो a है यानी इनिशियली जो H2O2 का अमाउंट होगा वो टाइट्रेट होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 से. तो v जीरो को हम a मान सकते हैं. और टाइम t पर जो वॉल्यूम लगेगी वो होगी a माइनस एक्स के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स. तो इसका मतलब अगर हम यहां पर k की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन t log a, a की जगह मैं v जीरो लिख सकता हूं और a माइनस एक्स की जगह आ जाएगा v t. तो इस प्रकार से हम यहां पर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 को यूज करते हुए H2O2 के डिकम्पोजिशन के लिए K की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड हुआ जिसमें हमें H2O2 के लिए K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट जो वॉल्यूम मुझे दी हुई है वो KMnO4 के लिए दी हुई है. इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास N2O5 का डिकम्पोजिशन. तो N2O5 जब विघटित होगा तो ये हमें 2NO2 प्लस हाफ O2 देगा. तो टाइम जीरो पे इसको A मान लीजिए, ये जीरो और जीरो है. टाइम T पर ये A माइनस एक्स, ये बनेगा 2x, ये बनेगा x बाई टू. और टाइम अगर हम इंफिनिटी लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास 2a बनेगा और ये हमारे पास a बाई टू बनेगा. तो इस केस में k की वैल्यू निकालने के लिए हम ऑक्सीजन की मात्रा का मापन करते हैं. तो यहां हम ऑक्सीजन की मात्रा का मापन करेंगे और हम मानते हैं कि टाइम जीरो पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो V जीरो है, टाइम T पर V T है और टाइम इन्फिनिटी पर V इन्फिनिटी. क्योंकि यहां पर शुरू में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो इसलिए अगर मुझे कभी ऑक्सीजन की प्रारंभिक मात्रा का आकलन करना होगा तो उसके लिए मैं अनंत समय पे यानी V इन्फिनिटी को ही कंसिडर करूंगा. तो यहां पर K का मान हो जाएगा 2.303 अपॉन T log इनिशियली का मतलब V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस V T. तो इस तरीके से N2O5 के लिए हम यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा का आकलन करते हुए K की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. जबकि यहां पर अगर आप रेट की बात करेंगे तो ये होगा N2O5 की पावर 1, बट N2O5 की जगह हमें यहां पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को देखना है और इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर K की वैल्यू का मान ज्ञात करना है. नेक्स्ट है हमारे पास में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी एस्टर का
जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन। तो पहले हम समझते हैं एस्टर क्या है, किस तरीके से बनता है और उसका जल अपघटन करने पर हमें क्या मिलेगा। तो लेट्स से आई एम टेकिंग CH3COOC2H5, इसको हम कहेंगे इथाइल एसीटेट। इस इथाइल एसीटेट को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया करने पर यह हमें एसिड देगा और यहां पर अल्कोहल मिलता है। इस अभिक्रिया को कराने के लिए हम यहां पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं और ये सांद्र H2SO4 यहां पर कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब इस केस में सबसे पहले अगर हम रेट की बात करें, चलिए पहले यहां पे देख लेते हैं इसकी आणविकता। तो इस अभिक्रिया में एक इथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल यूज हुआ और एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज हुआ, तो इसकी आणविकता होगी 2, मॉलिक्युलरिटी आ गई 2। बट अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें यानी इसकी कोटि की बात करते हैं तो इसकी कोटि आती है 1। और यह एक एलिमेंट्री रिएक्शन है यानी सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। तो हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर दोनों इक्वल होते हैं। तो फिर इस केस में ऐसा क्या हुआ कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर अलग अलग हुए। तो यहां पर अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट होगा के टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ की पावर 1 H2O की पावर 0। तो इसका मतलब यह है एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन जिसमें जो रेट है वो सिर्फ एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करेगा, वाटर की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर नहीं होता है उन्हें सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is not equal to molecularity is called pseudo order reaction। हिंदी में इसको छदम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका मतलब जो एस्टर का जल अपघटन है यह एक छदम कोटि की अभिक्रिया होगी जहां पर मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं है। और एग्जांपल अगर छदम कोटि अभिक्रिया के एग्जांपल की हम बात करें तो और एग्जांपल हमारे पास हो सकता है, अगर सुक्रोज का हम जल अपघटन करते हैं, सुक्रोज मतलब चीनी, तो इसका जल अपघटन करने पर हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। तो यह भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है लेकिन जैसा हम यहां पे देख पा रहे हैं यहां पर 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के यूज हुए और ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के इक्वल नहीं है, इसलिए यह भी एक छदम कोटि अभिक्रिया यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स मानी जाती है। अब एस्टर का
एनालिसिस करने में प्रॉब्लम ये है कि जो अल्कोहल बना वो वोलेटाइल है यानी वाष्पशील है, तो जैसे ही वो बनेगा वैसे ही वो वोलेटाइल हो जाएगा, वाष्पशील होगा, तो कहीं ना कहीं पर एस्टर की सांद्रता में परिवर्तन होगा। इसलिए हम यहां पर इसको इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रकार से के की वैल्यू निकाली जा सकती है। चलिए इसको समझते हैं। तो हमारे पास यहां पर एस्टर है CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट, इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया और वाटर के साथ ट्रीट करने पर हमें यहां पर एसिड मिला और अल्कोहल मिला। अब टाइम जीरो पे अगर इसका मान ए है, क्योंकि वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वाटर के बारे में हम कुछ नहीं लेंगे, तो ये जीरो और जीरो होगा। टाइम टी पर इस ए में से कुछ एक्स का मान कम होगा जो यहां पर एसिड और अल्कोहल के मान में परिवर्तित होगा। और अगर हम यहां पर इनफाइनाइट टाइम की बात करें तो ये जीरो हो जाएगा, यहां पर ए बनेगा और यहां पर भी ए बनेगा, और यहां पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है जिसको मैं H+ लिखता हूं, जो एक कैटलिस्ट की तरह यहां पर बिहेव करता है। तो इस वाली रिएक्शन के इनडायरेक्ट एस्टिमेशन के लिए हम वॉल्यूम ऑफ NaOH को यूटिलाइज करने वाले हैं। NaOH एक बेस है और यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एसिड है। इसका मतलब एसिड बेस की उदासीनीकरण अभिक्रिया को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर इस एसिड के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो टाइम जीरो पर जो वॉल्यूम ऑफ NaOH है इसको वी जीरो मान लेते हैं, टाइम टी पर इसको VT मानते हैं और टाइम इन्फिनिटी पर इसको V इन्फिनिटी माना जाता है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, जब टाइम जीरो है तो एसिड नहीं बना है, इसका मतलब कि जो NaOH है वो एसिटिक एसिड को उदासीन नहीं कर सकता है क्योंकि एसिटिक एसिड बना ही नहीं है। लेकिन इस विलयन में एक और एसिड है जो यहां पर कैटलिस्ट की तरह उपस्थित है, तो इसका मतलब ये जो V0 होगा ये उस एसिड की वॉल्यूम को उदासीन करेगा जो एज अ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह हमने इसमें ऐड किया है। इसी प्रकार अगर हम टाइम टी पे बात करें तो टाइम टी पर ये H+ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ में यहां पर X भी बना है और X यहां पर एसिटिक एसिड की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब टाइम टी पर यह H+ प्लस X जो एसिटिक एसिड की मात्रा है उसको उदासीन करेगा। इसी प्रकार से अगर हम इन्फिनिटी टाइम पे बात करें तो ये H+ और A इन दोनों के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा H+ प्लस A। तो इसको अगर हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें और इसको मान लेते हैं 3। देखिए K की जो अभिक्रिया है, K का मान हमारे पास में होगा
K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो मुझे यहां पर ए और एक्स का मान ढूंढना है। तो यहां से अगर मैं 3 माइनस 1 कर देता हूं, ठीक है, 3 क्या है बेटा, यहां पे है वी इंफिनिटी और 1 है यहां पर वी जीरो, तो ये बराबर होगा एच प्लस प्लस ए माइनस एच प्लस। तो ये मुझे यहां पर ए का मान मिल जाएगा। तो इसका मतलब ए की जगह पर हम वी इंफिनिटी माइनस वी जीरो लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 2 माइनस 1 करें, 2 मेरे पास है vt और 1 है v0, तो vt हुआ h प्लस प्लस x माइनस h प्लस, तो ये मेरे पास आ गया x। तो NOH के आयतन से एक प्रारंभिक समय और एक किसी पर्टिकुलर टाइम t पर और इन्फिनिटी को यूज करते हुए हमने a और x की वैल्यू का मान ज्ञात किया है। अब रिएक्शन में मुझे क्या चाहिए, a माइनस x भी चाहिए। तो a माइनस x कितना होगा, a का मान कितना है v इन्फिनिटी माइनस v जीरो और x का मान है vt माइनस v जीरो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा v इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो हमें यहाँ पर a का मान मिला, x का मान मिल गया और a माइनस x का मान भी पता है। तो इस इक्वेशन में अब अगर हम इनको रखते हैं तो हमारे पास में k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन t log a, a की वैल्यू v इन्फिनिटी माइनस v जीरो और a माइनस x की वैल्यू v इन्फिनिटी माइनस v t। तो इस प्रकार से इस एस्टर हाइड्रोलिसिस के लिए हम k के मान को ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें वॉल्यूम ऑफ NaOH दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, तो उसमें आपको इन सबको रटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करके न्यूमेरिकल को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात की है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने देखे हैं और यहाँ पर एवरेज लाइफ टाइम, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन हम कैसे कर सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए सेकेंड और थर्ड ऑर्डर दे आर सिंपली जस्ट फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी इनके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन एक्सप्रेशन किस तरीके की होती है और यूनिट या ग्राफ किस तरीके से बनते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। देखिए जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये मेरे पास दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके से मतलब जैसे 2A से मिला प्रोडक्ट, तो ये दोनों रिएक्टेंट सेम हो सकते हैं। तो यहां पर जो रेट होगा That will be time a to the power 2। या दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है कि मेरे पास दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं a plus b जिनसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो यहां पर रेट हो जाएगा k a to the power 1 and b to the power 1। तो दो अलग अलग केस के लिए यहां पर हम अलग अलग तरीके से रेट एक्सप्रेशन को
लिख सकते हैं। तो हम यहां पर पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब दोनों अभिकारकों की सांद्रता समान हो, तो दोनों रिएक्टेंट जो हैं उनकी जो अभिकारक की सांद्रताएं हैं वो दोनों सेम हैं। एग्जाम्पल ए प्लस बी से बना उत्पाद प्रोडक्ट, तो टाइम जीरो पर इसकी सांद्रता ए, इसकी ए, और ये हो जाएगा जीरो। टाइम टी पर ये हुआ ए माइनस एक्स, ये भी हुआ a माइनस एक्स, और उत्पाद बनेगा हमारे पास में x। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए हम वेग नियतांक यानी k की बात करेंगे तो k का मान आता है 1 अपॉन t इंटू एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। देखिए हमें यहां पर इसका डेरिवेशन नहीं करना है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर उतना ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ वेग नियतांक के लिए जो एक्सप्रेशन है उसको ध्यान रखना है। और अगर कभी दूसरा केस हम ले रहे हैं, दूसरा है दोनों अभिकारकों की सांद्रता डिफरेंट है, तो ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट जीरो टाइम पे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए, इसकी बी, इसकी जीरो। टाइम टी पर ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, ये बी माइनस एक्स, और ये बनेगा हमारे पास में एक्स। तो यहां पर जो के का मान आएगा दैट विल बी 2.303 अपॉन t a माइनस बी लॉग बेस 10 b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस। तो समान सांद्रता के लिए k इज इक्वल टू 1 अपॉन t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स आएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। और अगर कभी ये सांद्रताएं अलग अलग होती हैं तो उसके लिए k का मान आएगा 2.303 अपॉन t a माइनस बी लॉग b a माइनस एक्स a अपॉन a इंटू b माइनस एक्स। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। पहली, अगर हम कभी टाइम और सांद्रता में प्लॉट करते हैं 1 अपॉन a माइनस एक्स, तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी जिसका जो स्लोप है यह है k के बराबर होता है और जो इंटरसेप्ट वैल्यू आएगी ये मेरे को 1 अपॉन a की वैल्यू का मान बताते हैं। दूसरा, इसकी यूनिट तो यूनिट ऑफ k होता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। नंबर तीन, यहां पर भी अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। इसके लिए अगर हम अर्ध आयुकाल की बात करें तो इसका टी हाफ ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में एच आई का वियोजन, जिससे एच टू प्लस आई टू बनता है। दूसरा है, देखिए हमने अभी एस्टेरिफिकेशन पढ़ा था, तो अगर हमारे पास कोई एस्टर है और हम इसको किसी एल्कली के साथ में ट्रीट करते हैं, तो यहां पर CH3COO नेगेटिव Na प्लस प्लस C2H5OH बनता है। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये साबुन है, यानी ये सोप बना। तो इस अभिक्रिया को अगर हम कभी देखेंगे तो इसको हम साबुनीकरण या सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सेपोनिफिकेशन हुआ, इट इज सिंपली द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर to prepare soap। तो एस्टर की एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने से जो सोप बनता है, उसी प्रक्रिया को हम साबुनीकरण या सेपोनिफिकेशन कहते हैं। और यहां पर हमें ये अल्कोहल मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बहुत हायर एसिड को लेंगे तो ये अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। ये है हमारे पास में ग्लिसरॉल, जिसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये एक ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड है कुछ इस तरीके से। तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। तो वन वर्ड में पूछा जा सकता है सेपोनिफिकेशन क्या है या फिर एस्टेरिफिकेशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर देख सकते हैं। तो एस्टेरिफिकेशन एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है, जबकि सेपोनिफिकेशन एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तीसरा एग्जाम्पल है NO प्लस O3 गिव्स NO2 प्लस O2। तो यहां पर भी रेट ओजोन और NO के ऊपर डिपेंड करेगा। चौथा है, अगर हमारे पास पोटेशियम पर सल्फेट है, दैट इज K2S2O8, ध्यान रखिएगा K2S2O8 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। तो अगर ये Ki के साथ अभिक्रिया करता है तो ये हमें 2K2SO4 प्लस I2 देगा। तो अगर हम यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो आयोडीन 1 है, ये 0 है, और यहां पर अगर हम सल्फर के लिए फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास में प्लस 6 में आएगा, और इधर भी आपको यहाँ पे प्लस 6 में ही मिलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहां पर अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट Ki और K2S2O8, दैट इज पोटेशियम, इसका नाम होता है पोटेशियम पर सल्फेट। तो ये कुछ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें मेनली बस आपको एक्सप्रेशंस को ध्यान रखना है, ठीक है, ज्यादा डेरिवेशन वाला पार्ट इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें, थर्ड ऑर्डर के लिए सिर्फ एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखनी है फॉर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। लेट्स से 3A इज गिविंग प्रोडक्ट, ये हो सकता है, या A प्लस B प्लस C से हमें यहां पर प्रोडक्ट मिल सकता है, या
2a प्लस बी से हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इस केस में हमें कई सारी चीजें हमारे पास हैं जिसे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम k की वैल्यू लिख रहे हैं, ये होगा 1 अपॉन टी x अपॉन 2a स्क्वायर इंटू 2a माइनस x अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k हियर। अगर हम यहां पर t हाफ की बात करें, दूसरा पार्ट, सो t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a स्क्वायर। और एग्जाम्पल यहां पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। इसी प्रकार से 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NO Br। तो ये सब यहां पर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हुई दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑर्डर है और जीरो ऑर्डर है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।